أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولانا حسام الدين ملتاني رحمة الله عليه زاهد روحاني عابد سبحاني মৌলানা হাসামুল মিল্লাতে ওয়াদ্দিন মুলতানি সুলতানুল মুশায়েখে মুমতাজুল উলুল আজম খলিফা হ্যায় জো ইলম ও তাকওয়া অর ওয়ারা ও যুহদ মে এক কামিল আয়াত থে আপকো ইলম এ ফিকা মে ইন্তেহা দরজা কি মহারত থি হিদায়া কি দোনো জিলদে হিফজ থি অর ইনকে তমাম মতালিব নো কে জুবান থে ইলম এ সুলুক মে কুওয়াতুল কুলুব অর আজায়ে উলুম দোনো জামে জিলদে আসবর থি অর বাওজুদ ইন তমাম বুজুর্গিয়ো और फजाइल के जाहिर हरमैन और साहिब नसीबीन थे। मौलाना हसामुद्दीन की अजमत बुजुर्गी और उन पर सुल्तानुल मुशाई की इनायात और मेहरबानियां। मौलाना हसामुद्दीन जुहद वरा की मुजस्सम तस्वीर और अतकाव परहेजगारी की मुजस्सम तस्वीर थे। आपका तरीका बिल्कुल तरीका सल्फ था और आपका मामला बिल्कुल सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जैसा मामला था। आप आला दर्जे के यारों में मशहूर और बुजुर्गों के ग्रोह में मरूफ थे। सुल्तानुल मुशायख ने आपके बारे में फरमाया है कि शहर दिल्ली मौलाना हसामुद्दीन की हिमायत में है। एक दिन का जिक्र है कि ये बुजुर्ग बाजार में चले जाते थे कि आपके कंधे मुबारक से मुसल्ला गिर पड़ा और इस इंतहा दर्जा की बातनी शुगल से जो आपको हासिल था मुसल्ला गिरने की मतलब खबर नहीं हुई। जब थोड़ी दूर चले तो एक शख्स ने अकब से आवाज दी कि शेख आपका मुसल्ला गिर पड़ा है। अगरचे चंद मरतबे शेख शेख कहकर आवाज दी मगर चूंकि आप अपने तई शेख न जानते थे इसलिए आपने इस नाम को अपने में राह न दी। यहां तक कि आवाज देने वाले ने मुसल्ला जमीन से उठाया और मौलाना के पीछे दौड़ा और आपसे मिलकर अर्ज किया, हजरत मैंने कई मरतबे आवाज दी कि आपका मुसल्ला गिर पड़ा है, इसे लेते जाइए, मगर हुजूर ने नहीं सुना। फरमाया, अजीज मन, मैं शेख नहीं हूं ना ये मर्तबा रखता हूं, यही वजह है कि मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं गुजरा कि तुम मुझे आवाज दे रहा है। अलगर्स इस बुजुर्ग और फखरे खानदानों कौम को नामवरी और शोहरत से यहां तक एतराज था कि शेख के नाम से नहीं बोलते थे। मनकूल है कि जब ये बुजुर्ग खाना काबा की जियारत से फारिग होकर लौटे और इस शहर में तशरीफ लाए तो जुमा का रोज था। आप सैयद हैं, कैलोखरी की जामे मस्जिद में पहुंचे और सुल्तानुल मुशायख का अव्वल अव्वल कायदा था कि सुबह की नमाज के बाद कैलोखरी की जामे मस्जिद की तरफ जुमा की नमाज अदा करने के लिए जाने का एहतमाम फरमाते और वहां पहुंचकर मशगूल वहक होते। कैलोखरी में आपके कैलूला और वजू करने के लिए एक छोटा सा नहायत साफ मकान लोगों ने बना दिया था। मौलाना हसामुद्दीन वहां चाश्त के वक्त पहुंचे और दिल में ठान लिया कि मैं अब तो मस्जिद के किसी गोशा में छुप कर बैठ जाऊं और नमाज के बाद सुल्तानुल मुशाई की कदमबोसी हासिल करूं। चुनाचे आपने ऐसा ही किया। चूंकि सुल्तानुल मुशाई का नूरे बातिन से मालूम हो गया था कि मौलाना हसामुद्दीन अभी मक्का मौजमा से आए हैं और उसी मस्जिद के किसी गोशे में बैठे हैं, जाओ उन्हें ढूंढ कर ले आओ। ख्वाजा अबू बकर मुसल्लादार ने मस्जिद के कोने कोने में टटोलना शुरू किया। एक गोशा में देखते हैं कि मौलाना हसामुद्दीन बैठे हुए मशगूल हैं। सलाम किया और कहा, आपको सुल्तानुल मुशाई बुला रहे हैं। ये सुनकर मौलाना मुतहय्यर हुए और दिल में कहा, अगरचे मैं छुपकर इस गोशा में आकर बैठा लेकिन चूंकि सुल्तानुल मुशायख मुकाशफे आलिम है उनसे छुप ना सका। अलगर्स मौलाना ने सुल्तानुल मुशायख की सादत कदमबोसी हासिल की और आपकी इनायतों और मेहरबानियों के साथ मखसूस और मुमताज हुए। इजाबाद सुल्तानुल मुशायख ने फरमाया कि जो शख्स खाना काबा की जियारत से मुशर्रफ होना चाहे उसे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की अलहदा नियत करना और उसी नियत से जाना चाहिए ताकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत खास का मुस्तहिक हो, किसी की तुफैल में ज़ियारत न करे। मौलाना हसामुद्दीन सुल्तानुल मुशाइख की ये बात सुनते ही फौरन ताड़ गए कि सुल्तानुल मुशाइख ने ये बात खुदावंदी इल्हाम से फरमाई है। आपने उसी वक़्त पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की नियत मुसम्मम कर ली और ज़ियारत के लिए दोबारा मदीना तय्यबा तशरीफ ले गए। जहे इनायत पीर जो मुरीद की तरक्की दर्जात पर मबजूल हुआ और जहे खूब एतकात मुरीद के पीर के हुक्म कबूल करने और उसके फरमान के जारी करने में जान तक
दरेक न करे। मौलाना हसामुद्दीन मुल्तानी, मौलाना शमसुद्दीन जाहिया और मौलाना अलाउद्दीन नीली कुदस असरहुमुल अजीज की बाहमी मुलाकात। वाजे हो के एक दफा मौलाना शमसुद्दीन जाहिया और मौलाना अलाउद्दीन नीली रहमतुल्लाह अलैहुमा एक साथ मुल्क औद से सुल्तानुल मुशाहे की खिदमत में आए। सुल्तानुल मुशाहे का कायदा था कि जब औद के यार आपके पास हाजिर होते थे तो आपकी सादत कदमबोसी हासिल करने के बाद उन्हें हुक्म होता था कि शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन मुख्तियार नूरुल्लाह तरबताहू की ज्यारत को जाओ, और जब ये दौलत और सादत हासिल कर चुको तो शहर में आकर जाराने शहर से मुलाकात करो। इस कायदा और हुक्म के मुताबिक मौलाना शमसुद्दीन और मौलाना अलाउद्दीन शेखुल इस्लाम कुतुबुद्दीन मुख्तियार रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज्यारत को गए, और जब वहां से लौटकर शहर में आए तो बाज अजीजों से मुलाकात की। यक्के बाद दीगरे मौलाना हसामुद्दीन मुल्तानी की भी खिदमत में हाजिर हुए, लेकिन इत्तेफाक से उस वक्त मौलाना घर में तशरीफ न रखते थे। उन्होंने देखा कि एक नहायत मुख्तसर सा दरवेशाना छप्पर कुछ पुराना पड़ा है और यही आपकी सुकूनत का मुकाम है। चुनाचे ख्वाजा सिनाई कहते हैं, लुकमान अलैहिस्सलाम का घर नहायत तंग था, जैसे नेह का गला और चंग का होता है। एक फजूल शख्स ने उनसे कहा कि ये छह बालिश्त और तीन कदम का क्या घर है। लुकमान ने बादल सर्द और चश्मे ग्रियान कहा कि शख्स फानी के वास्ते ये घर बहुत काफी है। ये हजरत उस घर को देखकर अभी हैरत और तज्जुब ही में थे कि सामने से मौलाना हसामुद्दीन नमुदार हुए। दोनों बुजुर्गों ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और सलाम अलैक के बाद मुसाफिहा व मुआनिका से पेश आए। उस वक्त मौलाना की ये हालत थी कि एक सब्ज कुर्ता नहायत मैला कुचाला पहने हुए थे और एक दस्ते मुबारक में थोड़ी सी खिचड़ी दस्तार में बंधी हुई थी और दूसरे में कदरे ईंधन था। इन दोनों बुजुर्गों ने आपकी ये कैफियत देखकर बाहम कहा कि हकीकत यह है कि सलफे सालिहीन का तरीका यही है और मुसलमानी इसका नाम है। अलगर्ज बाहम मुलाकात करने के बाद मौलाना शमसुद्दीन जाहिया ने अर्ज किया कि हजरत ये ईंधन मुझे दे दीजिए, और मौलाना अलाउद्दीन नीली ने इल्तिमास की कि लकड़ियां और पटलियां मुझे इनायत कीजिए ताकि हजूर की मंजिलगाह में पहुंचा दे और इस सादत से कुछ हिस्सा हासिल करें। मौलाना हसामुद्दीन ने फरमाया, अजीजा ने मन, तुम दोनों महज मुजर्रिद हो, किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखते हो, मगर मैंने शरी बोझ कबूल कर लिया है और जब ये है तो बारकशी मेरा ही हक है। ये फरमाकर मौलाना हसामुद्दीन घर में तशरीफ ले गए और खिचड़ी और ईंधन देकर उसके पकाने का हुक्म फरमाया और एक फटा हुआ नहायत पुराना बोरिया हाथ में लेकर बाहर आए। इन बुजुर्गों को बैठने का इरशाद किया और खुद भी बैठ गए। मौलाना शमसुद्दीन जाहिया ने एक तहबंद और मौलाना अलाउद्दीन ने एक दिन का चांदी नजर की और मुशाहिद की हिकायत सल्फ के फजाइलो मासर बयान करने में मशगूल हुए। इसी असना में नमाज चाश्त का वक़्त हो गया, सबने नमाज पढ़ी। इसके बाद मौलाना हसामुद्दीन एक मुख्तसर से तबाक में खिचड़ी और उस पर कदरे घी रख कर लाए और दरवेशाना तरीक पर अजीजों के सामने पेश किया। जब तीनों साहिब खाना खाकर फारिग हो गए तो मौलाना हसामुद्दीन ने वो चांदी का तिनका जो मौलाना अलाउद्दीन ने पेश किया था मौलाना शमसुद्दीन को अता किया, और जो तहबंद मौलाना शमसुद्दीन ने पेश किया था वो मौलाना अलाउद्दीन के आगे रखा और नहायत माजरत की। अलगर्ज जब ये दोनों बुजुर्ग सुल्तानुल मुशाहे की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने अजीजा ने शहर की ज्यारत और मुलाकात की कैफियत दरियाफ्त की। इन दोनों अजीजों ने नंबरवार तमाम यारों की कैफियत बयान करनी शुरू की। जब मौलाना हसामुद्दीन की मुलाकात का जिक्र किया तो सुल्तानुल मुशाहिक ने रगबत की कानों से सुना। आप उनका हाल सुनते जाते और आंखों से आंसू बहाते जाते थे। इसी असना में सुल्तानुल मुशाहिक ने इकबाल खादुम को बुलाकर फरमाया कि थोड़ी सी चांदी ले आ। इकबाल ने फौरन हुक्म की तामील की, फिर फरमाया कि जाओ कपड़ा अभी ले आओ। जब कपड़ा भी आ गया तो आप अपना मुसल्ला जिस पर तशरीफ रखते थे चांदी के पास रख दिया और ख्वाजा रजी को जो आपके कासिदे खास थे और तेज रफ्तारी में हवा का मुकाबला करते थे तलब फरमाकर हुक्म किया, ये मुसल्ला, ये कपड़ा, ये चांदी मौलाना हसामुद्दीन के पास ले जा। ख्वाजा रजी ये बारी नेमत और गरा बहा खलत मौलाना की खिदमत में लेकर पहुंचे तो आपने फरमाया, ख्वाजा ये मेहरबानी मेरे हक में किस वजह से हुई है, मैं तो अपना ये मर्तबा नहीं देखता। ख्वाजा रजी ने अर्ज किया कि मखदूम मुझे मालूम नहीं, वमा अलल रसूल इल्लल बलाग, यानी कासिद पर तो पैगाम पहुंचा देना है
और बस मौलाना ने फरमाया कि अच्छा, जिस वक्त सुल्तानुल मुशाइख ने यह बख्शिश मुझे बरहमत फरमाई थी उस वक्त आपके पास कौन कौन बैठा था? ख्वाजा रजी ने कहा, मौलाना शमसुद्दीन चाचा, मौलाना अलाउद्दीन नीली और चंद और अजीज। ये सुनकर मौलाना हसामुद्दीन को यकीन हो गया कि इन्हीं लोगों ने सुल्तानुल मुशाइख से कहा होगा। इजाबाद आपने ख्वाजा रजी की तरफ मतवज्जो होकर फरमाया कि ये अजीज दरवेशों के तजस्सुस अहवाल के लिए आते हैं और मेरे बेत टटोलते हैं, इन लोगों को क्या मनसब है कि फकीरों के हाल का तजस्सुस करें। अलगर्स जब मौलाना हसामुद्दीन अपने कायदा के मुताबिक सुल्तानुल मुशाइख की खिदमत में आए तो सादत कदम बोसी हासिल करने के बाद मौलाना शमसुद्दीन जाशा और मौलाना अलाउद्दीन नीली से मुलाकात की और कहा, अजीजो तुमने ये क्या किया कि सुल्तानुल मुशाइख के हजूर में मेरा अहवाल अर्ज किया? मैं कौन हूं कि सुल्तानुल मुशाइख की खिदमत में जिक्र किया जाऊं? हम फोकरा के ग्रोह पर वाजिब है कि एक दूसरे के सतर हाल और पर्दापोशी में कोशिश करें। मुझ जैसे हजारों आदमी इस दरगाह के गुलाम हैं जिनके हाल से कोई भी इत्तला नहीं रखता और नहीं जानता कि उन पर क्या गुजर रही है। ये बात के सुल्तानुल मुशाइख मुकाशफे आलिम है ये और कजिया है, और इसका दूसरा हुक्म है, शेखसादी ने क्या खूब फरमाया है, ताचे मरगम कम हिकायत पेश अन का कर दाय अंत, ताचे मोरम कम सुखन पेश सुलेमान कर दायंत। जब मौलाना हसामुद्दीन अपनी गुफ्तगु का सिलसिला खत्म कर चुके तो इन बुजुर्गों ने आपके जवाब में कहा, मौलाना जब हम आपकी खिदमत से लौटकर सुल्तानुल मुशाइख की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर ने हमसे फरमाया, तुमने किन किन अजीजों को देखा और उन्होंने तुमसे किस तरह मुलाकात की? भला हमसे यह कब हो सकता था कि अजीजों की मुलाकात की कैफियत में कुछ छुपा सकते? हमें बजुज इसके और कुछ बन ही नहीं पड़ा कि जो कुछ हो साफ साफ बयान कर दें, लिहाजा हम इसमें मासूर हैं, मुआफ फरमाइए। मौलाना हसामुद्दीन मुल्तानी का हजरत सुल्तानुल मुशाइख निजामुल हक वद्दीन कदसुस्सरा से खिलाफत पाना। सुकात से मनकूल है कि जिस रोज शेख नसीरुद्दीन महमूद और शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर कदसुल्लाह सरहमुल अजीज ने खिलाफत का मुअज्जज तमगा पाया, उसके दूसरे रोज मौलाना हसामुद्दीन की तलबी का सुल्तानुल मुशाइख की खिदमत से हुक्म सादिर हुआ। मौलाना हसामुद्दीन ने फरमाया कि जब मैं सुल्तानुल मुशाइख की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपके इंतहा दर्जे की अजमत व मोहब्बत से मेरे जिस्म से पसीना जारी हो गया। लोगों ने सुल्तानुल मुशाइख की नजर मुबारक में मुझे खिलाफतनामा और खिलत खास इनायत किया। उस वक्त मैंने नहायत अदब के साथ अर्ज किया कि मखदूम ने इस बेचारा ज़ईफ के हक में बेहद शफकत व मेहरबानी फरमाई कि कम तरीन को दौलत खिलाफत से माला माल कर दिया। अब इस नाचीज गुलाम को कोई वसीयत कीजिए और इरशाद फरमाइए कि मैं क्या करूं। सुल्तानुल मुशाइख ने अपना दस्ते मुबारक आस्तीन से निकालकर शहादत की उंगली से मेरी तरफ इशारा करके दो दफा फरमाया कि दुनिया को तरक कर, दुनिया को तरक कर, और फरमाया कि मरीदों की कसरत में कोशिश न कर। इसके बाद मौलाना ने अर्ज किया कि अगर हुक्म हो तो शहर में ना रहूं बल्कि जारी पानी के किनारे सुकूनत इख्तियार करूं, क्योंकि शहर में कुओं का पानी मिलता है और इससे वजू करके दिल मुतमिन नहीं होता। सुल्तानुल मुशाइख ने फरमाया, नहीं, शहर में ही रहो, कुन कहत मिने नास, और इसी तरह रहो जैसे और लोग रहते हैं। नफ्स चाहता है कि तुम्हें आसाइश आराम के मुकाम से उठाकर एक ऐसे मुकाम में पहुंचाए जहां तुम्हारे औकात मुतफर्रिक को परेशान हो जाए। ये जरूरी बात है कि जब तुम शहर से निकलकर बहते पानी के किनारे सुकूनत इख्तियार करोगे तो मुसाफिर शहरी तुम्हारा पता तलाश करके वहां पहुंचेंगे और ये मशहूर हो जाएगा कि फला दरवेश ने फला जगह सुकूनत के लिए इख्तियार की है। लोग जौक जौक वहां पहुंचेंगे और तुम्हारे वक्त के मुजाहिम होंगे, और कुएं के पानी में अगरचे उलमा का इख्तिलाफ है मगर इसके बाब में शरी वसत बहुत है। इसके बाद मौलाना हसामुद्दीन ने अर्ज किया कि एक वक्त ऐसा होता है कि मुझे काफी मकदार फतूह पहुंचती है, इसमें से कुछ तो मैं अपने बाल बच्चों का हिस्सा उठा रखता हूं और कुछ मुसाफिरों के लिए मुकर्रर करता हूं, और अक्सर ऐसा होता है कि दिनों गुजर जाते हैं और कोई चीज मुझे नहीं पहुंचती। बाल बच्चे फाका कशी की वजह से मुजाहिमत करते हैं, मुसाफिर महरूम जाते हैं, फरमाइए ऐसे वक्त कर्ज लूं कि नहीं। सुल्तानुल मुशाइख ने फरमाया, कर्ज करना दो हाल से खाली नहीं, या तो तुम अपने लिए कर्ज लोगे या मुसाफिरों के लिए, और मुसाफिर भी दो हाल से बाहर नहीं, या गरीब दयार होंगे
या दूर दराज से आएंगे या शहरी के रोजाना आमदोरफ्त करें। जो लोग मुसाफिर हैं और दूर दराज से आते हैं, उनकी नीयत से कर्ज लेना जायज है अगर सहल हो, क्योंकि मुसाफिर तुम्हें मजूर न रखेंगे और शहरी लोग जो गाह बगा आमदोरफ्त करते हैं उनके लिए तकल्लुफ की कुछ हाजत नहीं। जो मौजूद हो पेश कर दो, ना हो तो कर्ज ना लो, और जो तुम खास अपने लिए कर्जा करोगे तो उसकी दो ही सूरतें हैं। एक ये कि जब फतूह तुमको पहुंचेगी खर्च करोगे, दूसरी ये कि फतूह ना पहुंचने की हालत में कर्ज करोगे, और दोनों हालतों में तुम्हारा मतलब हासिल होगा। और जब ये होगा तो दरवेशी किस तरह कर सकोगे। हकीकत में दरवेश तो वो है कि जब पास हो सर्फ कर डाले, ना हो तो सब्र करे, नाकामयाबी और नामुरादी के साथ मुआफिकत करे और अपने तई तदबीर में न डाले। इसाबाद फरमाया कि दरवेश को हर बाबी ना होना चाहिए, और हर बाबी की दो किस्में हैं, एक सूरी दूसरी मानवी। सूरी बाबी तो वो दरवेश है जो दर बदर मारे मारे फिरते हैं और कुछ न कुछ मांग तांग कर हासिल कर लेते हैं, और मानवी हर बाबी वो दरवेश है जो बाजार तो घर के कोने में मशगूल है मगर दिल में ख्याल करते हैं कि जैद से हमें पहुंचेगा या उम्रों से मिलेगा। बलहाज तजर्बा सूरी हरबाबी मानवी हरबाबी से बेहतर है, क्योंकि सूरी हरबाबी जैसा के है वैसा ही अपने तई जाहिर करता है, मगर मानवी हरबाबी बाजार अपने तई मशगूलाने हक के तरीक पर जाहिर करता है और बातिन में दर बदर मारा फिरता है। नौजबिल्ला कि किसी शख्स का ऐसा मामला हो। आमदीन बरसरे हिकायत। मनकूल है कि एक दिन काजी मईउद्दीन कशानी रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तानुल मुशायख की खिदमत में अर्ज किया कि बंदा ने ख्वाब में देखा है कि सुल्तानुल मुशायख सवार हुए तशरीफ ले जा रहे हैं और यारो अजीज मखदूम के बराबर सवार हुए चले जा रहे हैं। इनमें से एक मौलाना हसामुद्दीन मुल्तानी भी हैं। सुल्तानुल मुशायख ने फरमाया कि शेख शेयुखुल आलिम फरीदुल हक वद्दीन कदसुल्लाह सरल अजीज के बरीदों में एक अजीज था। उसने ख्वाब में देखा कि शेख शेयुखुल आलिम एक कश्ती में सवार हैं और छह यार भी आपके साथ मौजूद हैं, जिनमें एक ये ज़ईफ भी था। कातिबे हरूफ अर्ज करता है कि मौलाना हसामुद्दीन की ये बहुत बड़ी अजमतों किरामत की दलील है कि सुल्तानुल मुशायख ने इनकी हिकायत में अपनी नजीर बयान की। एक दफा का जिक्र है कि मौलाना हसामुद्दीन ने सुल्तानुल मुशायख की खिदमत में अर्ज किया कि मखदूम खलक तालिबे किरामत है। फरमाया यानी दरवाजा खुदाबंदी पर इस्तिकामत करना ही करामत है। तुम अपने काम में साबित कदम और मुस्तकीम रहो, करामत के तालिब न बनो। अंजाम कर जिस साल में शहर की मखलूक को दियोगीर में से निकाला गया, मौलाना गुजरात में तशरीफ ले गए और वहीं आपका इंतकाल हुआ। आपका मरकदे पाक आज इन शहरों की खलक का हाजित रवा है। रहमतुल्लाहे अलैह। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहां आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।